नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश में तैनात लखनपुर जंडूर निवासी सैनिक अरुण काटल समेत 7 जवान ड्यूटी के दौरान बर्फीले इलाके से लापता होने की खबर है। सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। अरुण काटल के लापता होने की खबर सुन परिवार बेचैन हो गया और माता पिता की हालत गंभीर है। अरुण 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। 3 महीने पहले ही अरुण की शादी कठुआ में हुई थी। परिवार ने उपराज्यपाल और रक्षा मंत्री से अरुण को जल्द खोजने की अपील की है। सेना ने एक बयान में कहा है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी के साथ खराब मौसम की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के साथ क्षेत्र में खराब मौसम देखा जा रहा है। कठुआ से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम है ऑर्डनरी कैप्टन उत्तम सिंह। मैं भी फौज नौकरी की थी है। उधर अस भी रही आए थे बार्डर पर। सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरमेंट तो अपना बटालियन लगी दी तुप्पण वास्ते। सानू जे एंड के गौरमेंट कहना यह उम्मीद है कि ये भी कुछ कर और जल्दी तो जल्दी जरा उनका पता लगे। अरुण के फादर बोलना मैं गल हुई आते इन्हें पेट्रोलिंग गए तो गायब हुई थी पेट्रोलिंग जुंड पुगे लगी थी धुप्पा दी। हूँ अज भी सवेरे मैं फोन किया उन्हें अज भी सवेरे आखा तो 3:30 बजे कि पूरे होंगे सीओ वगैरह सब उधर ही हसन एक बंदा मढ़ीन दून मैं गलबात ही शामी भी की मतलब उनके जो टूल टाल मिले पे बाकी जा रही है कोशिश है धुप्पा दिन लग दे सारे सैना 2015 पहले सेंटर से ट्रेनिंग की फिर लेखा पाने बाद अमृतसर रहे अमृतसर का हम इधर गए मांग करने दुआ करने पे मिली जान ठीक ठाक आई जाने घर साढ़े अं वो आखने पे और कुछ नहीं ठीक आना चाहिए ठीक मिलना चाहिए साढ़े बच्चे ठीक ठाक आई जाने जो सत्ते ने ठीक ठाक बेचारे लभ जान अं तो यही दुआ करने माता वैष्णो देकर सारे अपने जसरोटे माता ने मत्था टेकना माता रानी आई जाएंगे ढोल ढाक करके कंजा पुजिए शाल चढ़ागे तो ठीक ठाक आई जाए माता रानी वैष्णो देव कंजा पुजिए वो लिखे भाई अं देवी देवते ने मत्था टेकना तो ठीक ठाक रहना। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।